ओके तो इवोल्यूशन का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट टाइम हमने फोसाइल्स बहुत पहले सॉरी इवोल्यूशन शुरू किया था, बहुत स्टडी हमने इवोल्यूशन के बारे में किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे किस तरह से स्पेसिएशन होता है, किस तरह से एनालॉगस एज वेल एज होमोलॉगस ऑर्गन्स होते हैं, बहुत डिटेल में ये हमने लर्न किया लास्ट टाइम, कनेक्टिंग लिंक भी लर्न की तो, और वेस्टिजियल ऑर्गन्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इविडेंसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इविडेंसेस। ठीक है, इविडेंसेस मीन्स प्रूफ, इविडेंस का मतलब क्या है, प्रूफ। ठीक है, मीन्स पहले ये स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स थे अब नहीं है, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स पहले थे अब नहीं है, तो पहले थे ये कैसे हम बोल सकते हैं, किस तरह से हम ये कंप्लीटली प्रूव कर सकते हैं कि पहले डायनासोर्स थे, बहुत सारे इस तरह के एनिमल्स थे कि जो अब नहीं है लेकिन पहले थे, ये हमने किस तरह से डिस्क्राइब एज वेल एज डिस्कवर किया, विद द हेल्प ऑफ सर्टन एविडेंसेस, उनके कुछ प्रूफ्स हमें मिले, इसलिए हम कह सकते थे कि पहले इस टाइप के एनिमल्स थे। ओके, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर, सभी को पता है। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ प्रूफ इज कॉल्ड एज एविडेंसेस, इस तरह के प्रूफ्स हमें पाए जाते हैं इसलिए हम बोल सकते हैं कि पहले इस तरह का एनिमल था, इतना बड़ा एनिमल था, उसके एग इस तरह के थे, उसके पैर इतने बड़े थे, वो इस तरह का फूड खाता था, बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रूफ हमें मिले इसलिए हम कह सकते थे कि ये एनिमल्स पहले थे अब नहीं है। ठीक है, तो इविडेंसेस मीन्स प्रूफ, देर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ इविडेंसेस पाए जाते हैं, एक तो पैलेंटोलॉजिकल इविडेंसेस और दूसरा है एम्ब्रियोलॉजिकल इविडेंसेस, फर्स्ट पैलेंटोलॉजिकल इविडेंसेस और दूसरा है एम्ब्रियोलॉजिकल इविडेंसेस, मीन्स पैलेंटोलॉजिकल प्रूफ और एम्ब्रियोलॉजिकल प्रूफ। ठीक है, तो पैलेंटोलॉजिकल इविडेंसेस मीन्स क्या, पैलेंटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फोसाइल्स, पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ फोसाइल्स। अब फोसाइल्स का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ फोसाइल्स इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फोसाइल्स इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फोसाइल्स इज कॉल्ड एज अ पैलेंटोलॉजी। तो व्हाट इज मीन बाय फोसाइल्स, तो फोसाइल्स का मतलब है जो एनिमल मर गया है और उसके कुछ प्रिंट्स जो हमें पाए जाते हैं, इट इज कॉल्ड एज फोसाइल्स, प्रिजर्व्ड ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मीन्स उसके प्रिंट हो सकते हैं, मे बी उसके बोन्स हो सकते हैं, कुछ भी मर्ड पर हो सकते हैं, मे बी सैंड में हो सकते हैं, मे बी रॉक्स पर उसके प्रिंट हो सकते हैं, मे बी ट्रीज पर उनके प्रिंट हो सकते हैं, मे बी वॉल पर उनके प्रिंट हो सकते हैं, कोई भी टाइप के जो भी प्रिजर्विंग प्रिंट्स हैं, इट इज कॉल्ड एज फोसाइल्स, किसी भी टाइप में हमें पाए जाते हैं, हमें मिल जाते हैं। ठीक है, आपने भी बहुत बार देखा होगा कुछ आप इस तरह के हिस्टोरिकल एरियाज पर आप जब विजिट करते हो तो वहाँ आपको अलग अलग टाइप के फोसाइल्स नज़र आते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल एरियाज में, तो उस एरिया में जो भी इविडेंसेस होते हैं वो मोस्टली पैलेंटोलॉजिकल इविडेंसेस पाए जाते हैं, मीन्स स्टडी ऑफ फोसाइल्स, फोसाइल्स का मतलब है प्रिजर्व फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज अ फोसाइल्स, तो स्टडी ऑफ ऑर्गन स्ट्रक्चर। तो पैलेंटोलॉजिकल इविडेंसेस में हम नॉर्मली हम स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन स्ट्रक्चर्स लर्न करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने लास्ट टाइम लाइफ प्रोसेसेस देखा, नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेशन देखा, तो उसमें हमने नर्वस सिस्टम लर्न की, एंडोक्राइन सिस्टम लर्न की, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, एक्सेटरी, रेस्पिरेटरी, मीन्स हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी सिस्टम्स होते हैं वो सिस्टम सभी लर्न की, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म मर जाता है उससे उसकी बॉडी में से भी कुछ सिस्टम्स और कुछ इस तरह के स्टडी हम करते हैं, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गन स्ट्रक्चर नॉट ओनली करंट स्पेसिस। ये हम अब ह्यूमन का हमने लास्ट टाइम देख लिया, इस तरह से बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, एनिमल्स का भी हो सकता है, प्लांट्स का भी इस तरह से स्टडी हो सकता है, लेकिन ये स्टडी हम खाली करंट ऑर्गेनिजम्स या करंट स्पेसिस का नहीं करते, ये स्टडी हम डाइज
स्पेसिस में भी करते हैं एज वेल एज जो अभी एक्सटिंक्ट नहीं है उन स्पेसिस का भी हम स्टडी करते हैं. तो इट इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गन स्ट्रक्चर नॉट ओनली करंट स्पेसिस बट ऑल्सो नो लॉन्गर अलाइव. बहुत ईयर्स तक वो नहीं है, मीन्स डायनासोर्स, बहुत सारे रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस जो कि इवोल्यूशन के वक्त पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो गए हैं. तो वो ऑर्गेनिम्स अभी नहीं है, लेकिन अब हमारे साइंटिस्ट जो है वो उनका स्टडी कर रहे हैं. पहले कौन कौन से स्पेसिस थे ये डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्कवरी करने के लिए, ठीक है. तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर स्टडी इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी. इट इज कॉल्ड एज एन पैलेंटोलॉजी. हाउ डू वी नो दैट दीज एक्सटिंक्ट स्पेसिस ओवर इवर एग्जिस्टेड? तो हमारे टेक्स्ट बुक में एक बार देख लीजिए फिगर 9.10 में. किस तरह से हम बता सकते हैं कि जो स्पेसिस एक्सटिंक्ट जोन में गई, एक्सटिंक्ट का मतलब अब नहीं है, अब अवेलेबल नहीं है, तो वो स्पेसिस पहले थी, ये हम कैसे प्रूफ करेंगे? डायनासोर्स थे, ये कैसे प्रूफ किया हमने? यस करेक्ट. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक प्रिंट इट इज कॉल्ड एज अ फोसाइल्स. उनके कुछ फोसाइल्स हमें पाए गए, इसलिए हम परफेक्टली बोल सकते हैं कि पहले डायनासोर्स थे. वो एग भी लाए करते थे. इस तरह के बहुत सारे डिस्कवरीज हुए हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि पहले डायनासोर थे. डायनासोर का मैं एग्जांपल यूज कर रही हूँ क्योंकि आप सभी को डायनासोर्स पता है और आपने बहुत बार डिस्कवरी पर देखा भी होगा, किस तरह से पिक्चर भी आपने देखा होगा, फिल्म, ठीक है. तो किस तरह से हमें पता चलता है कि पहले वो स्पेसिस थी लेकिन अब नहीं है, तो कन्फर्मेशन करने के लिए उन्होंने क्या किया, फोसाइल्स स्टडी किया, ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी जब हम मर जाते हैं या कोई भी एनिमल मर जाता है, तो मरने के बाद पूरी की पूरी बॉडी डिकम्पोज नहीं होती. डिकम्पोजिशन होता है लेकिन हमारे पूरी की पूरी पूरी बॉडी डिकम्पोज नहीं होती. तो उस बॉडी में से कुछ ऐसे पार्ट्स विदाउट डिकम्पोजिशन वैसे ही उस सॉइल में अंडरग्राउंड रह जाते हैं, ठीक है. मीन्स बॉडी डाई होने के बाद डिकम्पोज भी हो जाती है और वो लॉस्ट भी हो जाती है, बट सम पार्ट डज नॉट डिकम्पोज कंप्लीटली. सम पार्ट डज नॉट डिकम्पोज कंप्लीटली, फॉर एग्जाम्पल बोन्स लाइक पार्ट्स, ओके. फॉर एग्जाम्पल डेड इंसेक्ट, ये मैंने एग्जाम्पल बताया हमारा और बड़े वाले एनिमल्स का. लेकिन सपोज छोटा सा जो इंसेक्ट होता है वो इंसेक्ट मर गया और उसके डेथ हो गई, तो वो मड में चला जाएगा, ठीक है. इंसेक्ट मरने के बाद जो भी मड होता है वहां चला जाएगा, वो कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होगा, नॉट डिकम्पोज क्विकली, बिकॉज द बॉडी ऑफ इंसेक्ट इज कंपोज्ड बाय स्पेसिफिक हार्ड प्रोटीन. इंसेक्ट की जो बॉडी होती है वो हार्ड सब्सटेंस से बनती है, इट इज कॉल्ड एज काइटिन. इट इज एन एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन मीन्स इंसेक्ट की जो बॉडी होती है वो हार्ड बायोमोलिक्यूल से, हार्ड सब्सटेंस से बन जाती है, इट इज कॉल्ड एज अ काइटिन. ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जिससे इंसेक्ट की बॉडी बनती है. तो वो इंसेक्ट मरने के बाद मड में चला जाता है, लेकिन मड में वो पूरा का पूरा डिकम्पोज नहीं होता है. तो वो क्या करता है, मीन्स इवोल्यूशन के वक्त मड बिकम्स हार्ड एंड रिटेन द एक्सप्रेशन. मीन्स मड जो होता है वो स्लोली हार्ड बनता जाता है और उसका रॉक बन जाता है, और रॉक में उस इंसेक्ट के इंप्रेशन और प्रिंट्स रह जाते हैं. इंसेक्ट का भी फोसाइल पाया गया है,
वो छोटा सा है बहुत, लेकिन इंसेक्ट के भी फोसाइल्स पाए गए हैं, क्योंकि इंसेक्ट मरने के बाद वो पूरा डिकम्पोज नहीं होता, क्विकली डिकम्पोज नहीं होता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्ड सब्सटेंस दैट इज अ काइटिन। तो वो मर्ड धीरे 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 हार्ड होने लगता है और उस मर्ड के अंदर उस इंसेक्ट के इम्प्रेशन और प्रिंट्स रह जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो जो एक्सटिंक्ट स्पेसिस है वो पहले थी लेकिन अब नहीं है। तो इस तरह के कुछ प्रूफ हम दे सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। समझ में आ रहा है? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस मीन्स फोसाइल्स का हम स्टडी करेंगे। फोसाइल्स में मीन्स प्रिंटिंग और इम्प्रेशन और प्रिंटिंग और इम्प्रेशन जो कि रॉक्स पर, मर्स पर, सैंड पर पाए जाते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ फोसाइल्स। नेक्स्ट, हाउ डू वी नो हाउ ओल्ड द फोसाइल्स? ठीक है, डायनासोर्स हम कहते हैं कि मे बी 5000 मिलियन ईयर्स एगो, इस तरह से 500, 400 जितने भी मिलियन ईयर्स एगो हैं। मिलियन ईयर्स एगो ऐसा कैसे हम बोल सकते हैं इतने मिलियन ईयर्स एगो वो फोसाइल्स पाया गया? क्यों नहीं बोलते वन ईयर एगो, टू ईयर एगो वो पाया गया? क्योंकि वो फोसाइल मिलने के बाद, मीन्स वो बोन्स मिलने के बाद हम उस फोसाइल का स्टडी करते हैं। मीन्स कैसे कह सकते कि वो फोसाइल्स इतने मिलियन एगो का था? फॉर एग्जाम्पल, ये हम इस्टिमेट करेंगे, ये ढूंढेंगे दो वेज से, ये ढूंढने का दो तरीके से हम इसका इस्टिमेशन कर पाते हैं। फर्स्ट बाय द डिगिंग एंड सेकेंड बाय द डेटिंग टेक्निक। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वन सेंटेंस के लिए, हाउ डू वी नो हाउ ओल्ड फोसाइल्स? बाय टू वेज, फर्स्ट बाय द डिगिंग मेथड एंड सेकेंड वेज बाय द डेटिंग मेथड। तो दोनों भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कैमरा, दोनों भी हम यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिगिंग क्लोजर टू अर्थ, डिगिंग मींस पूरा का पूरा वो एरिया क्या करना है हमें, डिगिंग करना है, मींस वहां से सॉइल रॉक्स बाहर की तरफ निकाल देने। गणेश सर कैमरा, ओके, तो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट वे कौन सा है, डिगिंग, और सेकेंड वे है हमारा डेटिंग टेक्निक, डिगिंग एंड डेटिंग टेक्निक। ओके, तो डिगिंग मतलब पूरा का पूरा सॉइल और रॉक वहाँ उस एरिया से निकालते हैं उस वक्त, ठीक है। तो डिगिंग करते वक्त क्लोजर टू अर्थ सरफेस, सपोज अगर फोसाइल्स अर्थ की सरफेस इमीडिएटली अगर हमें डिगिंग करने के वक्त मिल जाते हैं तो इसका मतलब वो रिसेंट फोसाइल्स है। डिगिंग करते वक्त वो फोसाइल्स हमें इमीडिएटली मिल जाते हैं इसका मतलब वो रिसेंटली कुछ ईयर्स पहले ही वो मर चुके हैं एनिमल्स, और अगर वो ज़्यादा डीप पाए जाते हैं तो इसका मतलब वो रिसेंट नहीं है, बहुत ईयर्स पहले थे, बहुत मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। दूसरा डेटिंग टेक्निक को हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग टेक्निक और आइसोटोप्स टेक्निक। यहाँ आइसोटोप कार्बन का आइसोटोप यूज़ किया जाता है और उस आइसोटोप्स के टेक्निक से हमें पता चलता है कि वो फोसाइल कितने मिलियन ईयर्स एगो का था और है, ठीक है। ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, खाली आपको इतना ध्यान में रखना है, एक तो सिंपल डिगिंग वे से हम वो ऑर्गेनिजम्स का एज पता कर सकते हैं और मीन्स कब मर गए कब थे, और ये डेटिंग टेक्निक में हम बता सकते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स का एक्चुअल एज कितना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, कार्बन डेटिंग टेक्निक। हाउ डू फोसाइल फॉर्म लेयर बाय लेयर, मीन्स अर्थ के बहुत सारे लेयर्स होते हैं तो वो लेयर बाय लेयर्स जो फोसाइल्स पाए जाते हैं तो उसका कुछ हमें जस्ट इंफॉर्मेशन दिया है हमारे टेक्स्ट बुक में कैसे ये पाए गए हैं फॉर्म लेयर बाय लेयर ये पाए जाते हैं फोसाइल्स। तो 100 मिलियन ईयर्स एगो मराइन इनवर्टिब्रेट्स आर फाउंड इन सीबेट। मराइन इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है, वर्टेब्रल कॉलम नहीं है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स में
इनवर्टिब्रेट्स का मतलब जिन्हें कॉर्डेट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है बट वर्टेब्रल कॉलम एब्सेंट है। इस तरह एक तरह के मराइन का मतलब है सॉल्टी वाटर, मराइन का मतलब है सॉल्टी वाटर, मतलब सी एरिया, मतलब सी एरिया में जो भी इनवर्टेब्रेट्स होते हैं मीन्स वर्टेब्रल कॉलम एब्सेंट होने वाले, वर्टेब्रल कॉलम एब्सेंट है। इस तरह के कुछ एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइक्लोस्टोमेटा वगैरह, बहुत सारे एनिमल्स हैं, किंगडम एनिमेलिया में भी ये आपको गया होगा। इनवर्टिब्रेट्स, मराइन इनवर्टिब्रेट्स 100 मिलियन ईयर्स एगो उनका जो फोसाइल है वो सी बेड में पाया गया, मीन्स सैंड में। कहाँ पाया गया इनका फोसाइल? सी बेड में। किनका? मराइन वर्टिब्रेट्स का। कितने साल पहले? 100 मिलियन ईयर्स एगो, 100 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद फ्यू ईयर लेटर मीन्स मराइन इनवर्टिब्रेट्स के बाद डायनासोर्स का फोसाइल पाया गया, और कहाँ? पहले मड में थे तो मड इसी तरह से हार्ड हो गया और वो रॉक में कन्वर्ट हो गया, एंड अबो द रॉक अर्लियर इनवर्टिब्रेट्स प्रेजेंट है। मीन्स ये डायनासोर मर गए, मरने के बाद उनके जो फोसाइल्स थे, बोन्स थे, वो बोन्स पहले मड में उन्होंने इम्प्रेशन क्रिएट किया, उसके बाद मड हार्ड होती गई और उसके बाद वो मड क्या कर रॉक में कन्वर्ट हो गया और रॉक पर उनके इम्प्रेशंस अब पाए जाते हैं, मीन्स अब हमें मिल गए, इसलिए हम बोलते हैं डायनासोर्स प्रेजेंट थे, ठीक है, कुछ ईयर्स लेटर, इनवर्टिब्रेट्स के लेटर, मराइन इनवर्टिब्रेट्स के बाद, ठीक है। उसके बाद हॉर्स के फोसाइल्स मिले हमें, हॉर्स के फोसाइल्स अर्लियर रॉक्स पर, अर्लियर रॉक्स पर मीन्स डायनासोर के ऊपर वाली जो अर्थ की लेयर है उसमें कौन पाए गए? हॉर्स के फोसाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद मच लेटर एक्सपोज हॉर्स लाइक फोसाइल्स, उसके बाद कुछ ईयर्स बाद हमें अर्थ की सरफेस पर हॉर्स के फोसाइल्स एक्सपोज हुए, अर्थ के फोसाइल्स एक्सपोज हुए। किस वजह से अर्थ के फोसाइल, हॉर्स के फोसाइल्स हमें डायरेक्टली दिखाई देने लगे? ड्यू टू द सॉइल इरोजन और वाटर फ्लो। मीन्स सपोज यहाँ कंटिन्यूस इस तरह की सॉइल है और यहाँ कंटिन्यूस वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर फ्लो होने की वजह से सॉइल का ये एरिया क्या हो जाएगा? स्लोली कम होता जाएगा। अगर ये सॉइल का एरिया, इट इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन, सॉइल एरिया कम हो गया ड्यू टू द वाटर फ्लो, तो यहाँ के जो भी फोसाइल्स थे ऊपर वाले लेयर्स में हॉर्स के, वो स्लोली हमें दिखाई देने लगे। तो ड्यू टू द सॉइल इरोजन और ड्यू टू द वाटर फ्लो हॉर्स फोसाइल्स आर सीन और कम टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हमारा इविडेंसेस था, दैट इज अ पैलेंटोलॉजिकल इविडेंसेस के बारे में ये हमने लर्न किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज मीन बाय पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ फोसाइल्स कॉल्ड एज अ पैलेंटोलॉजी। देन व्हाट इज मीन बाय फोसाइल्स, फोसाइल्स का मतलब है प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इट इज कॉल्ड एज फोसाइल्स। फोसाइल्स अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, मे बी मर्ड्स में, मे बी सैंड में, मे बी रॉक्स पर फोसाइल्स पाए जाते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फोसाइल्स थे। तो ये फोसाइल्स प्रेजेंट थे और किस शेप में थे, ये डायग्राम हमें फिगर नंबर 9.10 में दी गई है, एक बार आप अपना टेक्स्ट बुक देख लीजिए। उसके बाद फोसाइल्स किस तरह से तैयार होते हैं, डायरेक्ट बॉडी, जो भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है वो डायरेक्टली मरने के बाद पूरी की पूरी डीकम्पोज नहीं होती है, तो वो स्लोली डीकम्पोज होने लगते हैं और वो बॉडी मड में चली जाती है। मड हार्ड होने की वजह से, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट मर गया तो वो मड में चला जाता है, मड क्या होता है हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाता है और उस इंसेक्ट के जो भी प्रिंट्स हैं और
इम्प्रेशंस हैं वो रॉक्स पर रह जाते हैं और वो हमें फोसाइल्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट, किस तरह से हम उस फोसाइल्स का एज निकालते हैं, तो बाय टू वेज, डिगिंग मेथड के थ्रू वो फोसाइल्स हमें पाए जाते हैं और दूसरा कार्बन डेटिंग टेक्निक के थ्रू हम उनका एज डिटेक्ट कर पाते हैं। फोसाइल्स में अगर वो सरफेस अर्थ सरफेस के क्लोजर हैं तो इसका मतलब वो रिसेंटली मर गए हैं, तो रिसेंट फोसाइल्स अवेलेबल हैं, और अगर ज़्यादा डीप हमें डिगिंग करना पड़ता है तो इसका मतलब वो बहुत साल पहले मर गए हैं। ठीक है, दूसरी टेक्निक है कार्बन डेटिंग टेक्निक विद द हेल्प ऑफ आइसोटोप, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ कार्बन डेटिंग टेक्निक। तो ये है सेकेंड मेथड कि किस तरह से हम फोसाइल्स का एज ढूंढ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस तरह से फोसाइल्स लेयर बाय लेयर पाए जाते हैं, तो ये बहुत ही एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 मिलियन ईयर्स एगो मराइन इनवर्टिब्रेट्स के फोसाइल हमें सी बेड में पाए गए, उसके बाद डायनासोर्स के फोसाइल्स हमें मर्स दैट इज अ रॉक्स में पाए गए, उसके बाद हॉर्स के फोसाइल अर्लियर रॉक्स में पाए गए, नेक्स्ट हॉर्स के फोसाइल डायरेक्टली अर्थ सरफेस में ओपन हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, उनके रीजंस क्या है, ड्यू टू द सॉइल इरोजन एंड वाटर फ्लो, कंटिन्यूस वाटर फ्लो होने की वजह से यहाँ की जो सॉइल है वो रन आउट हो जाती है और जो भी ऊपर के हिस्से में अर्थ के ऊपर के सरफेस में जो भी फोसाइल्स थे वो इजिली दिख जाते हैं। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है हाउ फोसाइल्स फॉर्म लेयर बाय लेयर, ये इसका एक्सप्लेनेशन था किस तरह से हम फोसाइल का एज ढूंढते हैं, दो वैसे डिगिंग एंड डेटिंग टेक्निक, किस तरह से फोसाइल्स फॉर्म होते हैं मर्ज से रॉक में कन्वर्ट होने के बाद, ये हमने एक्सप्लेन किया। तो ये था हमारा पैलेंटोलॉजिकल इविडेंसेस। नेक्स्ट दूसरा इविडेंस है हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल इविडेंसेस। तो एम्ब्रियोलॉजिकल इविडेंस के लिए आपको एक डायग्राम फोकस करनी है, मुझे यहाँ ड्रॉ करनी नहीं आएगी, लेकिन सभी एनिमल्स के एम्ब्रियोज मीन्स पहले जो थे वो एग्जैक्टली सेम दिखते थे, लेकिन आफ्टर मैचुरेशन वो एम्ब्रियो अलग अलग शेप में कन्वर्ट हो गया, वो एम्ब्रियो अलग अलग शेप में कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल एम्ब्रियोलॉजिकल इविडेंसेस, एक मिनट, नहीं यहाँ डायग्राम नहीं दी गई। तो एम्ब्रियोलॉजिकल इविडेंसेस में पहले एम्ब्रियो सभी एनिमल्स का एक जैसे दिखता था और उसके बाद एनिमल्स जैसे जैसे डेवलप होते गए वैसे वैसे उन सभी के बॉडी में चेंजेस आते गए। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये फिश का एम्ब्रियो है, ह्यूमन का, फ्रॉग का, रेप्टाइल का एम्ब्रियो, ठीक है, ये सभी एम्ब्रियो फर्स्ट स्टेज में एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन आफ्टर द मॉडिफिकेशन ये टोटली फिश जैसा दिखेगा, ये ह्यूमन जैसा दिखेगा, ये फ्रॉग जैसा दिखेगा इस तरह से, और ये रेप्टाइल जैसा दिखेगा, रेप्टाइल्स, ओके। तो ये आफ्टर द मैच्योरिटी अलग अलग टाइप के बॉडी स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते, लेकिन इन सभी का एम्ब्रियो पहले देखा जाए तो वो एग्जैक्टली सिमिलर शेप का है। इसका मतलब ऑल दीज एनिमल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, ये सभी एक ही ओरिजिन से ओरिजिनेट हुए हैं, इसका मतलब, ठीक है, दैट टाइप ऑफ इविडेंसेस आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजिकल इविडेंसेस। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ इविडेंसेस इज यूज फॉर इवोल्यूशन, दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल इविडेंसेस एज वेल एज पैलेंटोलॉजिकल इविडेंसेस। तो यहाँ हमारा इविडेंसेस पॉइंट खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगेन फोसाइल्स के बारे में कुछ डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, स्टॉप।